टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के भांडुप इलाके में एक मॉल में आग लग गई। इस मॉल की तीसरी मंजिले पर एक कोरोना अस्पताल भी था और आग की वजह से 10 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। वहीं 70 कोरोना मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि भांडुप इलाके के ड्रीम्स मॉल में आग लगी और इसी मॉल की तीसरी मंजिले पर सनराइज अस्पताल था। ये आग आधी रात करीब 12:30 बजे के आसपास में लगी थी और कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर काबू पाने की कोशिश अभी जारी है। आग लगने के बाद माना जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से आग और विकराल रूप ले ली। बहरहाल इस अस्पताल में 76 कोरोना मरीज भर्ती थे। बताया जा रहा है कि 10 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हुई है और बचे हुए कोरोना मरीजों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें मुलुंड के जम्बू अस्पताल और फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भांडुप ड्रीम्स मॉल और सनराइज अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और घटना पर गहरा दुख जताया। साथ ही मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जो भी इस हादसे का जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मरने वाले परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। इस अग्निकांड में 10 लोगों की मौत हुई है दम घुटने की वजह से, मगर अभी ये पता नहीं चल सका है कि आग कैसे लगी है। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की। और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत है, जरूरत थी, वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाजत दी क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाजत देनी पड़ी। वैसे एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी, आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार का मैं सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है अच्छा काम किया है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके। उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत ही मामला गंभीर होता है। और इसमें जिन लोगों का मृत्यु हुआ मुझे कहा गया कि उसमें ज़्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है। फिर से मैं उनके परिवार की माफ़ी मांगता हूँ। कॉम्पनसेशन तो जरूर दे देंगे। कॉम्पनसेशन तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा वहाँ पर लगी और वहाँ से फैल गई है। नुकसान भरपाई साहजिकच आहे, नुकसान भरपाई साहजिकच आहे। ज्या कुटुंबियांचं नुकसान त्यांच्या प्रिय व्यक्ती गेल्यामुळे झालेलं आहे ते तर आपण भरून काढू शकत नाही, परंतु ज्यांचा मृत्यू दुर्दैवाने याच्यात झालेला आहे त्यांच्या कुटुंबियांना आपण 5 लाख रुपये हे देऊ।